तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जानकारों की माने तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी। वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत हैं कमर अब्बास खोकर। खोकर ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी पर एक ऐसी बात बोल दी कि भारत के ट्विटर वाले बुरा मान गए और खोकर को ट्रोल करने लगे। खोकर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की एक विहंगम तस्वीर है जो कि प्राचीन पाकिस्तान में 2700 साल पहले आज के इस्लामाबाद के पास हुआ करता था। यहाँ 16 देशों के तकरीबन 10,500 स्टूडेंट्स 64 अलग अलग विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे और उन्हें पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाया करते थे। वे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने प्राचीन पाकिस्तान की सभ्यता को बताने के लिए मोहनजोदारो से लेकर बौद्ध धर्म को भी प्राचीन पाकिस्तान में समेट लिया। उन्होंने कहा कि पाणिनि और चाणक्य प्राचीन पाकिस्तान के बेटे थे। ट्वीट पर नजर पड़ते ही भारतीय ट्विटर यूजर्स ने उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो लोगों ने ये याद दिलाया कि पाकिस्तान को पैदा हुए ही अभी तकरीबन 70 साल हुए हैं, तो ये प्राचीन पाकिस्तान क्या भला है? ये प्राचीन पाकिस्तान सिर्फ एक मजाक है। आपका देश ही 1947 में बना है और आप इसे प्राचीन पाकिस्तान कह रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 32 किलोमीटर दूर था। अभी भी इस विश्वविद्यालय के अवशेष खुदाई में मिल जाते हैं। ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। जानकार तक्षशिला को विश्व का पहला विश्वविद्यालय मानते हैं। यहाँ पर आचार्य चाणक्य और पाणिनि ने न सिर्फ पढ़ाई की थी बल्कि पढ़ाने का काम भी किया था। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। माना जाता है कि इसकी स्थापना 6वीं और 7वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी। यहाँ पर भारत सहित चीन, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया के छात्र पढ़ते थे। वैसे तक्षशिला का मूल नाम था तक्कासिला, लेकिन यूनानी लेखक इसे तक्षशिला कहने लगे और इस तरह इसका नाम यही पड़ गया। ट्विटर पर पाकिस्तान और भारत के यूजर्स की तक्षशिला पर यह जंग #ancientpakistan और #पाणिनि के साथ जारी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला लें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में कटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच का नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का। का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।